नमस्कार जनरबा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे संबोधित। शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर कॉन्क्लेव में रखेंगे विचार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MPC की 24वीं बैठक में रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। ग्राहकों को EMI या लोन की ब्याज दरों पर नहीं मिली राहत। लोन मोरेटोरियम पर कोई ऐलान नहीं, ब्याज दर भी स्थिर। RBI गवर्नर ने सोना गिरवी रखने वालों को दिया बड़ा तोहफा। अब 15% ज्यादा मिलेगा पैसा। 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं लाभ। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोरेटोरियम पर दिया बड़ा बयान। का मोरेटोरियम जारी रहने से खड़ा हो जाएगा आर्थिक संकट। केंद्र के राज्यों के लिए जारी की आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त। कोरोना काल में राज्यों को दी गई 890 करोड़ की मदद। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड दस्तावेजों से हुआ खुलासा। मई में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में की थी घुसपैठ। प्लेसी पर भारत चीन के बीच लंबे समय तक तनातनी के आसार। सरकार बोली लद्दाख में बढ़ती जा रही है चीन की आक्रामकता। रक्षा मंत्रालय बोला चीन को जवाब देने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी। संवेदनशील होने के चलते वेबसाइट से हटाए गए दस्तावेज। लद्दाख सीमा पर घातक हथियारों से लैस हैं चीन के सैनिक। गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चाहिए 4 से 6 सैटेलाइट। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन पर जमकर बोला हमला। का कोरोना महामारी में ज्यादा बढ़ गई है चीन की गर्म मिजाजी। एस्पर बोले LAC पर फौज की तैनाती अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ। अमेरिका के साथ ही देश ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन ने चीन को दिया सही जवाब। बिहार की सीमा से सटे इलाकों में नेपाल बना रहा है 3 हेलीपैड। खुफिया एजेंसियों ने भारत को गतिविधियों को लेकर किया सतर्क। पाकिस्तान ने PM मोदी को मुजफ्फराबाद में रैली का दिया न्योता। कुरैशी बोले इमरान को श्रीनगर जाने की अनुमति दे भारत। मुंबई में TV सीरियल के अभिनेता समीर शर्मा ने की आत्महत्या। मलाड पश्चिम के अपने घर में पंखे से लटका मिला शव। पालघर हिंसा मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। महाराष्ट्र पुलिस ने अदालत में CBI जांच का किया विरोध। पालघर हिंसा मामले में चल रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। महाराष्ट्र पुलिस की चार्जशीट का परीक्षण करेगी अदालत। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने पुनर्विचार याचिका को 20 अगस्त तक किया स्थगित। सोशल मीडिया का अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे सेना के जवान। दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल से किया इनकार, खारिज की याचिका। क्लिनिकल ट्रायल में 100% वैक्सीन की सफलता का रूस का दावा। का सितंबर से शुरू हो सकता है कोरोना की दवा का उत्पादन। ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स में नहीं मिला कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट। वैक्सीन देने वालों में बेहतर देखा गया इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स। सेना के LG बनने पर महासचिव राम माधव ने जताई खुशी। का विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा जम्मू कश्मीर। मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर का LG बनते ही UP से होंगे 7 राज्यपाल। राजस्थान, गोवा, केरल, उत्तराखंड, बिहार और अरुणाचल के हैं गवर्नर। गुजरात हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर सरकार के फैसले को किया रद्द। सरकार ने कोरोना काल में ट्यूशन फीस लेने पर लगाया था प्रतिबंध। गुजरात हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की दी छूट। का कोरोना के बीच छात्रों से फीस ले सकते हैं निजी स्कूल। UP के मऊ में घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटने से गांव में हड़कंप। गाजियापुर, मिश्रौली और तिगरा सहित कई गांव में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में भाजपा सरपंच की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने वारदात को सजाद अहमद के घर से बाहर दिया अंजाम। मणिपुर सरकार के खिलाफ 10 अगस्त को आएगा अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस और BJP ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बने नए कैग। 1985 बैच के गुजरात काडर के IAS अधिकारी हैं मुर्मू। मुंबई गई बिहार की SIT टीम। अहम सबूत लेकर लौटी वापस। सुशांत केस में CBI की मदद के लिए तैयार कर रही है फाइल। सिटी के क्वारंटाइन मामले में आर पार के मूड में पटना पुलिस। DGP बोले केवल आज भर करेंगे इंतजार, नहीं छोड़ा तो जाएंगे कोर्ट। BSP विधायकों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। डबल बेंच ने कहा 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी एकल पीठ। गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल ने की वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ। का दमदार वसुंधरा को BJP के पुनिया और राठौर ने किया किनारे। राम मंदिर भूमि पूजन पर पाकिस्तान के बयान पर भारत का पलटवार। का आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश से यही उम्मीद। पाकिस्तान ने कहा था भारत में अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा है अधिकार। भारत की दो टूक। का हमारे मामलों में दखल ना दे तो अच्छा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष रशीदी की गीदड़ भभकी। का अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बनेगी मस्जिद। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने ओवैसी पर बोला हमला। का परेशानी है तो पाक जाओ, यहाँ के मुसलमानों को शांति से रहने दो। वसीम रिजवी ने ओवैसी को राम मंदिर मसले पर चुप रहने की दी नसीहत। का सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए सही मार्ग प्रशस्त किया। जम्मू कश्मीर बैंक लोन फर्जीवाड़े में ED ने 9 ठिकानों पर की छापेमारी। पूर्व वित्त मंत्री करीम के बेटे से ED ने मांगी कई जानकारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना बूस्टर कोनकल पर किया बड़ा दावा। का रोजाना मार्केट से कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की आती है मांग।
हिमाचल सरकार को खुद ही उठाना होगा कोरोना टेस्ट का खर्च। केंद्र 1 सितंबर से उपलब्ध नहीं कराएगी कोविड 19 की किट। दिल्ली में हैवानियत की शिकार 13 साल की बच्ची की हालत नाजुक। एम्स पहुंचे केजरीवाल का बच्ची के परिजनों को 10 लाख देने का ऐलान। सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही पर प्रशासन से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट का, फिर शिकायत मिली तो न्यायालय करेगा सख्त कार्रवाई। डीयू के 1500 शिक्षक और कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। 2 माह की लटकी सहेली के लिए सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। गोवा के घने जंगलों में आईआईटी बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने पेड़ों में राखी बांधकर कैंपस के खिलाफ जताई नाराजगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोच की नजरबंदी पर बोली प्रियंका गांधी का, कांग्रेस नेता की नजरबंदी करके लोकतंत्र कुचल रही सरकार। श्रीलंका के संसदीय आम चुनाव की सभी सीटों पर मतगणना शुरू। राजपक्षे की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने शुरुआती रुझानों में ली बढ़त। मुंबई यूनिवर्सिटी ने दाखिले के लिए जारी की पहली मेरिट लिस्ट। आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र छात्राएं चेक कर सकते हैं रैंक। राहुल गांधी ने डिजिटल माध्यम से बिहार कांग्रेस नेताओं से की बात। चुनाव अभियान और कोरोना से बचाव के लिए दिया निर्देश। बहराइच में लायंस क्लब ने कुष्ठ आश्रम में किया फूड फॉर हंगर कार्यक्रम। राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में बांटे फल और भोजन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।